अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 17। और आज के इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करनी है, उसके लिए मैं आउटलाइन फॉलो करता हूँ। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट स्पेल लाइन। स्पेल लाइन क्या होता है, किस तरह इंसर्ट करते हैं, पर्पज़ ऑफ स्पेल लाइन, डिफरेंस बिटवीन पॉली लाइन एंड स्पेल लाइन, पॉली लाइन और स्पेल लाइन में क्या फ़र्क है, पर्पज़ ऑफ डिफरेंट कमांड इन स्पेल लाइन, स्पेल लाइन के अंदर जो कमांड यूज होती हैं, क्लोज, फिट, टॉलरेंस और स्टार टारगेट, तो इनका क्या फंक्शन होता है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने लेसन के लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और आज के इस लेसन में हमने ड्रॉ बार में स्पेल लाइन के ऊपर काम करना है। तो ये आपके पास स्पेल लाइन देख सकते हैं, फिट है और स्पेल लाइन सेव भी है, दो किस्म की लाइन्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉ बार में जाएं और यहाँ पे आप देखें तो आपको स्पेल लाइन, यहाँ पे स्पेल लाइन का ऑप्शन होगा और ये स्पेल लाइन आप देख सकते हैं दी भी आपके पास, फिट है और कंट्रोल वेराइटीज से। और इसके लिए मैं आप स्पेल लाइन की जो शॉर्ट कमांड यूज होती है वो होती है एस पी, देखता हूँ, ठीक है, एस पी एल शॉर्ट कमांड है इसकी स्पेल लाइन की। क्लिक करें और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, देखें ये स्पेल लाइन है, स्पेल लाइन को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, स्पेल लाइन को ख़त्म करने के लिए आप नीचे देखिए, आपके पास यहाँ पे एंड ट्रेंस लिखा हुआ है, टॉलरेंस लिखा है, अंडू और क्लोज। अंडू का फंक्शन ये होता है, अंडू और क्लोज का फंक्शन ये है कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आप अंडू करना चाहो तो आप यू प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो देखो पहले वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, यू एंटर, ये दोबारा रिपीट हो रही है, एंटर यू एंटर यू एंटर, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पास देखें स्पेल लाइन में अंडू का ऑप्शन, नेक्स्ट है आपके पास क्लोज का ऑप्शन, तो क्लोज के लिए आप सी प्रेस करेंगे, आप यहाँ से सी प्रेस करें और एंटर करें। आप यहाँ पे आप देखें तो एंटर नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज होगी ये। फिर आपको बताता हूँ कंट्रोल जेड करके, SPL एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इसी पॉइंट्स में चाहता हूँ ये यहाँ पे आके इसके साथ क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखें सी एंटर करें तो देखें ये क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये जो स्पेल लाइन में क्लोज का ऑप्शन। नेक्स्ट स्पेल लाइन में क्या क्या ऑप्शन है जी, SPL एंटर, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, स्टार्ट है मेथड, अब यहां पे देखें क्लिक करते जाएं तो आप देखें यहां पे स्पेल लाइन इंसर्ट हो गया। अब इस स्पेल लाइन में एक और लाइन की टाइप्स है, उसको मैं क्लिक करता हूँ, जोड़ दिया इसको मैंने, एंटर करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट जो स्पेल लाइन है उनमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है देखते हैं। स्पेल लाइन फिट है, ये फिट पॉइंट के लिए यूज़ की जाती है, क्लिक करें इस पॉइंट पे, लिख के आए देखें उसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया, देखें उसी पॉइंट से तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। नेक्स्ट जो सेकेंड वाली जो स्पेल लाइन है, स्पेल लाइन सीवी पे क्लिक करें। अब देखें इन दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या फर्क है, देख सकते हैं, तो ये स्पेल लाइन और इसको क्लोज सी एंटर करते हैं, क्लोज जाएगी। तो ये दो किस्म की स्पेल लाइन है और इनमें फ़र्क भी आपको पता चल गया होगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है। पॉली लाइन और स्पेल लाइन में क्या फ़र्क होता है कि पॉली लाइन आप जब लेते हैं, पॉली लाइन देखें ये पॉली लाइन है, जब तक इसको आप आर्क नहीं देंगे, ए एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये पॉली लाइन ही रहेगी, और ए प्रेस करते हैं तो ये आर्क स्टाइल
में आ जाती है, देख सकते हैं। जबकि स्पेल लाइन जो होती है, सी इसको भी प्रेस करें तो ये क्लोज जाएगी, कि स्पेल लाइन जो होती है वो हमेशा आर्क की शेप में ड्रा हो रही होती है। तो ये स्पेल लाइन के ऑप्शन है दोनों, SPL एंटर करता हूँ, SPL एंटर। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन से ऑप्शन थे जी। इसमें फिलहाल क्लोज और अंडू का ऑप्शन ही यूज़ हो रहा है, जबकि ऑटोकैड 2007 में इसमें और भी ऑप्शन यूज़ होते हैं। ड्रॉपर में जाके देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है स्पेल लाइन के, उसके लिए मैं स्पेल लाइन में जाता हूँ। ये भी वही है फिट पॉइंट, ये फिट पॉइंट वाले स्पेल लाइन है, देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी अब ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं टॉलरेंस का ऑप्शन है, अंडू और क्लियर का ऑप्शन है। और इसके लिए आप टी टॉलरेंस के लिए आप यहाँ पे एल प्रेस करेंगे, क्योंकि एल कैपिटल लिखा हुआ है, एल प्रेस करता हूँ टॉलरेंस के लिए। स्पेसिफाई फिट टॉलरेंस पे क्लिक करें, 5 एंटर, 5। अब स्पेल लाइन में टॉलरेंस का फंक्शन क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए पॉली लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब जब मैं इसको स्पेल लाइन में यूज़ करता हूँ, SPL एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, थर्ड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, फोर्थ पे करता हूँ, लास्ट पे करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप बस देखें यहाँ पे तो इनके कॉर्नर आपस में जुड़े हुए, आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है, तो इनको टॉलरेंस के थ्रू मैं मूव करना चाह रहा हूँ, ताकि ये मूव हो, ज़्यादा ऊपर चले जाएँ या मूव हो, तो उसके लिए हम टॉलरेंस यूज़ करते हैं। उसके लिए आप टी प्रेस करें, टॉलरेंस के लिए टी टी प्रेस किया और इसको साइज में देता हूँ, स्पेस पे फर्स्ट कॉर्नर में देता हूँ, क्लिक करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर में, सेकंड टेक्स आ गया, सॉरी एल था टॉलरेंस के लिए, एल होता है, मैंने टी प्रेस कर लिया। अब दोबारा मैं ये देता हूँ, SPL एंटर, क्लिक करता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे, और इसके बाद अब मैं टी प्रेस करूँगा, एल प्रेस करूँगा टॉलरेंस के लिए, एल एंटर। और आप देखें ये टॉलरेंस क्या हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो स्पेस आ गया, ये जो कॉर्नर आपस में जुड़े हुए थे, इनमें क्या हो गया, स्पेस आ गया, और आप यहाँ पे टॉलरेंस दे सकते हैं। अब ये टॉलरेंस में मैं देता हूँ 5 फिट का, एंटर करता हूँ, तो ये 5 फिट का इसमें स्पेस आ जाएगा। टेन फिट एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसमें स्पेस आ गया, जो कि इसके कॉर्नर आपस में जुड़े हुए होते थे, उनमें ये क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड तक ये इनमें स्पेस आ गया काफ़ी सारा। तो ये होता है टॉलरेंस का ऑप्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। मैं एक बार फिर स्पेल लाइन के ऊपर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। अब आप देखिए मैं जिस तरह भी मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कॉर्नर आपस में, ये कॉर्नर मूव नहीं हो रहा, देख सकते हैं। जितना भी मूव करूँ मैं, ये दोनों कॉर्नर आपस में मूव, ये इनका स्पेस इनमें नहीं आ रहा है, इस टॉलरेंस और इसमें। तो इसको स्पेस देने के लिए आप टॉलरेंस के लिए एल प्रेस करेंगे, तो अब देखें आप ये क्या हो गया, स्पेस आ गया। आप जितना भी आप स्पेस देना चाहें आप स्पेस दे सकते हैं,
जैसा भी स्पेस देना चाहें। इंटर कर दें तो इसमें वैसा स्पेस रहेगा। तो ये होता है जी फंक्शन टॉलरेंस का, क्लोज का और सारे कमांड्स का। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन लेसन में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। और जहाँ तक जो जो चीज़ें मुझसे रह जाती हैं तो आप खुद उस पर प्रैक्टिस करके, अब आपको तकरीबन इतना कुछ ऑटोकैड आ गया है कि आप खुद से कुछ ना कुछ चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।